आज पूरी की पूरी छत साफ हो रही है और मैं आया हूँ तो ये देखें, ये मेरे इंतजार में खड़ी हुई है। सारा गंद निकला इतना सारा गंद। बत्तखों को लिए हमने ये वाला जो पिंजरा है हमारा पुराना, ये सेट लगा मेरे को, इसके अंदर डाल दिए। भाई ने भी ये बोला ये सेट है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं गया हुआ था आज काम से थोड़ा दोस्तों। दरअसल सबसे पहले तो एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरी एक यंगेस्ट कज़न थी, इधर ही रहती हैं, हमारे इधर ही जाम रहते हैं शहर में उधर ही, तो उनकी दोस्तों अचानक रात में डेथ हो गई। तो उनको जो है अपेंडिक्स उनका जो था वो फट गया था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो काफ़ी एक झटका था हमारे लिए और हमारी पूरी फैमिली के लिए, हमारे पूरे एक तरीके से जो पूरा ख़ानदान है उन सब के लिए, क्योंकि काफ़ी यंग थी। और बस एक ही दरख्वास्त है आप सारों से इस चीज़ पे गए उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ते हैं और दुआ करें उनके हक में कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमा दे। बस यही, मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ अभी, आज टाइम ही नहीं मिला। और जैसे ही मैं आया हूँ तो मुझे एक चीज़ मिली है, अत्थर भाई जो है उन्होंने पूरी की पूरी सफाई करा दी है दोस्तों, वो देखें आज पूरी की पूरी छत साफ हो रही है और मैं आया हूँ तो ये देखें, ये मेरे इंतज़ार में खड़ी हुई है पानी के लिए और खाने के लिए शायद, तो क्योंकि अभी उन्होंने डाला वाला नहीं है। भाई पूरी सफाई कर रहे हैं, पूरी की पूरी जगह की सफाई यहाँ की तो मुकम्मल हो गई, दिखा दूँगा आपको आगे ले जाके। दे रहा हूँ खाना, रुक जाओ दो मिनट। क्या चाहिए भाई? दे रहा हूँ भाई, सब्र कर ले, ये देखो। चलो आगे जाओ, चलो उधर रहो। ये पूरी की क्या चीज़, ये गंद भी करेंगे तंग भी करेंगे, दूसरी लाऊंगा छोटी है ना वाली ले आऊंगा। अभी इनकी हो रही है बात, बस ये सेटअप हो जाए फिर कर दूंगा ये चेंज, ये चेंज करूंगा मैं इंशाल्लाह, छोटी पत्ता के ले आऊंगा। भाई भी बोल रहे हैं कि वो सेट रहेंगी क्योंकि एक कार्ड बहुत रही है दोस्तों। अरे दोस्तों ये देखें, ये पूरी की पूरी जगह क्लीन करा दी है, पूरा साफ सफाई हो रही है, कितना साफ हो गया है। बत्तख के माखी में बहुत ज़्यादा गंद कर रही है, ये जगह भी पूरी क्लीन हो गई है। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम इसको यहीं फिट करवा रहे हैं, इधर ही रखवा देंगे, सुकून रहेगा, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, इसको यहाँ ही फिट करा देंगे। और बाकी जो है हमारी मुर्गियाँ घर हैं, इनको यार खाना वाना भी देना है, तो मैं जल्दी जल्दी में आया हूँ बहुत। मैंने बोला नहीं यार, इनका दाना पानी सब करना है, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, आज स्वयं था तो स्वयं निपटा के मैं डायरेक्ट इनके पास आऊँ। चले इनको दाना पानी कर दूँ मैं अभी, और भाई उधर की सफाई कर लेंगे फिर सारी। आ जाओ भाई, आ जाए भाई, ये सारा गंद निकला इतना सारा गंद कब से, इस वजह से कब से सब की सफाई नहीं हो पा रही थी और मुझे करने भी नहीं दे रहे थे वो, जाहिर सी बात मैं कैसे करता है, क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों गंद बहुत ज़्यादा था। तो ये सारा गंद निकला और भाई से फेंकवा रहे हैं आप, शुक्र है सब की सफाई तो हुई एटलीस्ट। क्या है क्या काली सूर्ख बिल्ली है। खैर चले हम चलते हैं और उनको दाना पानी करें, यार ये काम तो होता रहेगा, पहले खाना पीना करते हैं उनका। दोस्तों छत पे तो आ गया हूँ, अब मैं इनकी थोड़ी सेटिंग वोटिंग कराऊँ इनके साथ, वो जब तक वहाँ की सफाई कर रहा है भाई, मैं इनको दाना पानी करूँ और इनका पिंजरा अपनी जगह पे सेट करके लगा देता हूँ। तो चलें काम स्टार्ट लें, आज बड़ा थकन हो रही है। दोस्तों इनको खाना पीना करके सबको बंद कर दिया है। बत्तखों को लिए हमने ये वाला जो पिंजरा है हमारा पुराना, ये सेट लगा मेरे को, इसके अंदर डाल दिए। भाई ने भी ये बोला ये सेट है, बनिस्बत उसके कहाँ गया वो दूसरा, वो उधर रखवा दिया कोने पे, वो बिल्कुल ही टूट गया है और बाकी में उसमें दीमक भी लग रही है, तो हमें नज़र आई दीमक, हमने बोला बेकार है सारे पिंजरे ख़राब कर देगा। फिलहाल जब तक अभी केज नहीं था बड़ा, इस केज में बत्तखें आएंगी नहीं क्योंकि दूसरे उसके खाने भी छोटे हैं, तो अभी इनको इसमें रख दिया है।
जब सेटअप बनेगा केज वेज जब हम लेकर आएंगे तो इनको कर देंगे, और हो सकता है हम बत्तख एक्सचेंज कर लें, क्या पता है रख भी लें, कुछ भी नहीं पता अभी आगे का। तो खैर इनका ताना पानी मैं अंदर ही कर दूंगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि आज दोस्तों छत बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये देखें बिल्कुल साफ। और अब इनको खोला ना मैंने तो ये सारा गंदगी फैला देंगे यहाँ पे, पीटें वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा गंदगी वैसे दोस्तों इन्हीं की हो रही थी, ये देखें ये पूरे जो पानी की लकीरें दिख रही हैं बीटें आपको, ये सारी ये इन्हीं की करा धरा सीन है। तो इनका अब मैं ये करा करूँगा कि इनको खोल दिया करूँगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन खोलना लाजमी है। तो इनका हमने एक गिलास सोचा है, इनको हम जो जगह देंगे ना वो देंगे वो कोने वाली आगे वाली, वो जगह दिख रही है आपको, वहाँ पर ये नहाएं धोएँ जो करना है करें, लेकिन फिर इनको हम बंद कर दिया करेंगे ताकि पूरी छत हमारी जो है वो गंदी ना हो, और गंदी हो तो वो साफ़ सुथरी भी मतलब कर सकें हम, इतनी लायक गंदी हो ये ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। खैर तो भाई ने काम काफ़ी निपटा दिया, बिल्कुल सारा का सारा ख़त्म कर दिया, पूरी की पूरी छत हमारी क्लियर हो चुकी है। और जो हमारा ये वाला पिंजरा है फिलहाल हमने इसको यहाँ ही रख दिया है दोस्तों, जो भी चीज़ आएगी मुर्गा मुर्गी कबूतर वो सारे अभी फ़िलहाल इसी के अंदर हम शिफ्ट कर देंगे, जो भी हमारे पास नई चीज़ आएगी जो भी हम लेकर आएंगे। पर पहले तो मैं सेटअप के लिए बहुत परेशान हूँ, जल्द से जल्द सेटअप हो तो हम जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके सेटअप करें बस दोस्तों। सेटअप के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ हूँ, सेटअप हो जाए बस इसी तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको और देख, ये देखें दोस्तों काफ़ी खुश हैं बेटा, इसमें तुम्हारे अच्छे भी बाहर नहीं आएंगे, कोएँ 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 हाँ चीखते रहो, इसके अंदर से इनके अच्छे भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि दोस्तों ऊपर मोटी टेबल है ये देखें। अब ये जैसी भी है दिखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कबाड़ा है क्या है कूट, लेकिन दोस्तों इसकी बहुत मैं बोलता हूँ पुराने ज़माने की है ना, तो इसकी बहुत मोटी शीट है, ये देखें इसकी लकड़ी जो है इतनी मजबूत और मोटी है कि भारी है ये उठाने में अलग ही। जो आजकल के पिंजरे आ रहे हैं लोकल हैं, इतनी पतली पतली लकड़ियों में, ये वाकई में जो एक तरीके से ये पिंजरा नहीं है दोस्तों, ये हमारी वो थी एक छोटी सी जिसके अंदर हम कपड़े वगैरह रख दिया करते हैं ड्रास, उस वक्त ये बिल्कुल नहीं थी, पर हमने इसके काम में लेके इसकी बिल्कुल ही बेड़ा गरक कर दिया। खैर मैं इसको रेनोवेट कर दूंगा जैसे तैसे जो भी, लेकिन ये काम का बड़ा है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे हमारी अभी फिलहाल डक्स आ गई हैं। ये सारा काम हम निपटा के दोस्तों हम चलते हैं नीचे, पर भाई को भी थोड़ा सा शायद और टाइम लग जाएगा क्योंकि अब ये सारा का सारा देखें बिखरा पड़ा है सब जितना है। तो ये सारा सेटिंग आउट करा के मैं जाता हूँ नीचे और उनको दाना पानी करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, और अजान भी हो रही है तो नमाज भी पढ़नी है। तो आज के व्लॉग को दोस्तों मैं यहीं एंड करता हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।